नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आज 27 जनवरी यानी एक्सपायरी के मार्केट्स की रिपोर्ट्स के बारे में, और साथ ही जानेंगे कल यानी 28 जनवरी के लिए कुछ खास स्टॉक्स, और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा था। आज मॉर्निंग में निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के साथ ओपन हुई, और वहीं काफी देर तक डाउनसाइड मूवमेंट के साथ ही ट्रेड कर रही थी। लेकिन फिर 12 से 1 बजे के बाद बुल्स ने फिर मार्केट में अपनी एंट्री दिखाई और हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। निफ्टी ने अपने लोएस्ट पॉइंट यानी 16,866 से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और 17,180 तक के हाईज भी बना लिए, और फिर ये रोलर कोस्टर राइड चलती रही और फाइनली निफ्टी एक ग्रीन कैंडल के साथ 17,152 पर क्लोज हुई। फ्रेंड्स, आप मेरे पिछले कई वीडियोस में देख सकते हैं, मैं बार बार आपसे यही एडवाइस दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं मार्केट में बुल्स अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है, और साथ ही वो अपने 17,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम भी हैं। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी भी आज 388 पॉइंट्स बढ़कर 38,094 पर क्लोज हुई, और आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं मैं कई दिनों से बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बुलिश हूं, और आज भी बैंक निफ्टी में मेरे बताए हुए सभी टारगेट्स अचीव हो गए। आज बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में निफ्टी के प्रेशर की वजह से एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी में 37,000 के लो के बाद 38,147 तक का हाई देखने को मिला। फ्रेंड्स, एक्सपायरी के दिन 1,150 पॉइंट की इतनी अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में बहुत कम आती है। ये उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को जनरेट करती है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी के सामने अभी भी बहुत ही बुलिश है, और आप बैंक निफ्टी में डेफिनेटली बुलिश व्यू के साथ ही रहें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स को। अगर बात की जाए आज के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों की, तो डेफिनेटली कैन बैंक में हमें 8.50% की स्ट्रॉन्ग अप मूव रैली देखने को मिली। साथ ही एसआर ट्रांसफर में भी 6.98% की तेजी देखने को मिली। आरबीएल बैंक में 6.12% की तेजी देखने को मिली, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 4.66% की स्ट्रॉन्ग अप मूव रैली देखने को मिली। अब बात करते हैं आज के सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों के, तो आज के सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में टोरेंट फार्मा में हमें 15.61% का शार्प करेक्शन देखने को मिला। वहीं इंडिया मार्ट, कोफोर्ज और माइंडट्री, ये सभी शेयर्स आज डाउनसाइड के साथ ही क्लोज हुए। फ्रेंड्स, आज का मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड था, जो कि डाउ जोन्स और यूएस मार्केट के डेटास को लेकर काफी वीक हो चुका था। लेकिन आप देख सकते हैं कल यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंडियन आईटी मार्केट आज भी बहुत वीक रहा। आज कोफोर्ज, माइंडट्री, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये सारे शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। चलिए अब देखते हैं कल हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप लेना चाहिए। तो अगर बात की जाए निफ्टी की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज निफ्टी 125 पॉइंट घटकर 17,152 पर क्लोज हुई है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर हैवी दिख रहा है। इसका मेन रीजन है आईटी सेक्टर। जी हाँ, आईटी सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि निफ्टी को ऊपर नहीं आने दे रहा है। तो जब तक आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग नहीं देखने को मिलती, तब तक निफ्टी में हमें और भी कॉशियस होने की जरूरत है। लेकिन कल अगर निफ्टी अपने 17,280 के हाई को ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली हम निफ्टी में बाइंग के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं, जिनके टारगेट्स रहेंगे 17,370 और 17,450 के। वहीं हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 17,000 का। फ्रेंड्स, 17,000 निफ्टी का एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक कायम है, तब तक हम कह सकते हैं कि आप निफ्टी में बुलिश व्यू के साथ ट्रेड कर सकते हैं।
अगर 17,000 के नीचे निफ्टी एक दिन भी क्लोज आ जाएगी तो डेफिनेटली निफ्टी में 16,800 तक के लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसे कि आप मेरे पिछले कई वीडियोस में देख सकते हैं, मैं बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले बहुत ही बुलिश हूं, और आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो पीएसयू सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सारे बैंक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ एकमात्र एचडीएफसी बैंक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ओवरऑल पीएसयू और बाकी बैंक्स की मदद से शायद एचडीएफसी बैंक में भी हमें थोड़े दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल अगर बैंक निफ्टी 38,150 के ऊपर सस्टेन करती है तो डेफिनेटली हमें बैंक निफ्टी में बाइंग के ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए, जिनके टारगेट्स रहेंगे 38,350 और 38,650 के। वहीं हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 37,250 का। चलिए अब हम देखते हैं कल के लिए कुछ खास स्टॉक्स, बट उससे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं हमारे बताए हुए कल के रेकमेंडेड स्टॉक्स को। कल मैंने आपसे मारुति लेने की एडवाइस दी थी, और आप देख सकते हैं आज मारुति में मेरे बताए हुए सभी टारगेट्स भी अचीव हो गए। अब बात करते हैं कल के लिए कुछ खास स्टॉक्स की। कल आप डेफिनेटली एसआर ट्रांसफिन को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आज एसआर ट्रांसफिन में बहुत दिनों बाद एक अच्छा ग्रीन मोरोबोजू कैंडल देखने को मिला है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि कल अगर एसआर ट्रांसफिन 1250 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हमें बाइंग के ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए, जिनके टारगेट्स रहेंगे 1265 और 1275 के। वहीं हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1175 का। दूसरा स्टॉक जो आप अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हैं वो है कैन बैंक। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैन बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपों के साथ ट्रेड कर रहा है, और यही कारण है कि कैन बैंक में हमें अभी भी बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। कल अगर कैनरा बैंक 242 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें डेफिनेटली कैन बैंक में बाइंग के ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए, जिनके टारगेट्स रहेंगे 247 और 255 के। वहीं हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 225 का। फ्रेंड्स, मैं जो भी कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो आप जो भी ट्रेड लें, बहुत ही सोच समझ के अपनी रिस्क को ध्यान में लेकर ही लीजिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ डेली मार्केट अपडेट की ये वीडियो सीरीज आपको जरूर पसंद आती होगी। तो अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़े और भी सवालों के लिए आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हितेश सोमानी फ्रॉम आपका इन्वेस्टमेंट्स।